भगवान के पास शिवजी आना चाहते थे रासलीला में। शिवजी बोले, प्रभु दर्शन पाया था बाल रूप में, लेकिन युवा रूप आपका, गोविंदम आदि पुरुषम, जो मेरे पिता ब्रह्मा भी भजते हैं, उसका भजन करना है मुझे, आपका दर्शन करना है, किस प्रकार आप गोपियों का लिंगन करते हैं प्रभु, एक मौका। भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं शिवजी, देखो ये गोपी भाव बहुत ऊंचा भाव है, तुम अलग सेवा में हो, वो अलग सेवा में नहीं। माने नहीं शिवजी, आ गए तो ललिता विशाखा ने रोक दिया। ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं शिवजी, देखिए आप नहीं आ सकते, आपके लिए मना किया गया है। नहीं माने तो वृंदा देवी तुलसी महारानी से पूछा गया, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश देने की जो परमिशन ग्रांट की पावर है वो वृंदा देवी तुलसी महारानी के पास है। तो वृंदा देवी को बुलाया गया। वृंदा देवी बोली, अच्छा शिवजी इतना मन है ना, तो रूप परिवर्तन तो कर लो, भाव जाए जो भी हो। तो रूप परिवर्तन कराने के लिए मानसरोवर भांडेर वन जाएंगे, तो रस्ते में एक मानसरोवर लेक पड़ता है, उस मानसरोवर बोले यहां डिप कर लो, स्नान कर लो, तुरंत गोपी ड्रेस पहना देंगे, आपको ले जाएंगे। तो शिव जी को गोपी भाव प्रदान करके ले गए। रास प्रारंभ हो गया, रास प्रारंभ हुआ, कृष्ण बार बार डांस करते थे, 64 करोड़ गोपियां हैं, चेंज करते हैं गोपी, फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, और फिर देखते देखते इतनी तेज करते हैं, हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे साथ ही, इतनी फास्ट सुदर्शन की तरह घूम रहे, डग 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 डग, हर गोपी को लग रहा है ये तो मेरे कृष्ण है, मेरे वाले, तुरंत चेंज कर रहे हैं। लाइट होती है ना, देखते कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, हम देख ही नहीं पाते, लाइट इतनी तेज चलती है। ऐसे कृष्ण कभी बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे, बड़े हो रहे, छोटे हो रहे, सब गोपियों को अपना अपना आनंद दे रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। करते करते एक गोपी का हाथ पकड़ा, कहते ये तो गोपी नहीं है, ये हाथ थोड़े पौरुषीय शक्ति वाले हैं, इनका ये देखना पड़ेगा कौन सी गोपी है। लेकिन कृष्ण का तुरंत स्पर्श करते कृष्ण समझ गए, रास भाव रुक गया। ललिता सखी को बुलाए, बोले ललिता क्या हो गया, देख के आओ, एक गोपी, कोई अनोखी गोपी आज प्रवेश कर गई है वृंदावन रास में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो देखते हैं। तो वृंदा देवी तो जानती थी कि मैंने ही प्रवेश कराया, लेकिन वृंदा देवी चुप रही और ललिता सभी सखी गई चेक करने। तो सारी गोपियों का घूंघट उठा के चेक कर रही है, चेक कर रही है, चेक कर रही है, चेक 64 करोड़ गोपियों को चेक करके देखा, तो एक में भोले बाबा बैठे, बड़े भोले बन के, खरे प्रभु आप, खरे हाँ मैं भी चाहता था कृष्ण ठाकुर के साथ रास करना, इसलिए आया, वृंदा ने मुझको ये स्वरूप प्रदान किया, वृंदा देवी ने, ठीक है अभी चलिए कृष्ण के पास, आपकी पेशगी होगी। कृष्ण बोले, शिवजी मना किया था ना, आप आ गए, चलिए बाहर। बोले प्रभु मैं तो आपका संग पाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, दिन के समय तुम तमोगुणी लोगों का उद्धार करो, शमशान में जाकर बैठो। देखा शमशान है, मोक्ष द्वार में शिवजी बैठे रहते रुद्राक्ष की माला लेके, तो वहां जाओ रात्रि में, सभी मोक्ष द्वारों से आजाद होकर के यहां आ जाना वृंदावन में, और फिर तुम यहां बैठ करके तपस्या करो, जब गोपी भाव अर्जित कर लोगे तब तुम्हें मैं प्रवेश दे दूंगा। इसीलिए रोज शाम को संध्याकालीन वृंदावन में जब आप जाएंगे तो एक स्थान है जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव मंदिर, वहां पर रोज संध्या में गोपेश्वर महादेव के स्वरूप को प्रदान किया जाता है, गोपी ड्रेस पहनाई जाती है, मुकुट लगाया जाता है, घाघरा पहनाया जाता है शिव जी को डेली, बड़ा मंदिर है बहुत विशाल। तो हमने कभी एक दिन शाम को दर्शन किया था लास्ट टाइम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से गोपेश्वर गोपी महादेव बनकर बैठे, लेकिन तपस्या करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो बोले कृष्ण कोई तो ऐसी चीज प्रदान कर, जब मैं आपका कुछ तो अधरामृत पान करूं, अधरा मतलब अधर, इसका अमृत स्पर्श पाऊं आपका, वो अलिंगन आपका कृष्ण। तो कृष्ण बोले ठीक है, तो आप एक काम करिए, बंसी स्वरूप में प्रवेश कर दीजिए, अंश रूप में बांसुरी, तो जो कृष्ण की बांसुरी है वेणु, उसमें अंश रूप में शिवजी भी हैं उसके अंदर। तो शिवजी को वो स्थान मिला कि ठीक है आप वेणु के अंदर थोड़ा अंश मात्र में रह लीजिए। तो इस प्रकार से वंशी वदन, वदन मतलब शरीर है, वंशी कोई ऐसी नहीं है, वेणु एक स्त्री है, गोपी है, उसमें अंश मात्र में शिवजी भी हैं। वंशी वदन सुवासा, एक्सपर्ट हैं, ऐसी फ्लूट निकालते हैं कि फ्लूट बजाने वाले भी सोचते हैं कैसी फ्लूट है, हमने तो कभी ये धुन, हर रोज नई धुन निकलती है। उनका मोबाइल नंबर है, सबको बुलाने का, गोपियों को बुलाने का अलग है, ग्वालों को बुलाने का अलग है, गायों को बुलाने का अलग है, जैसे हम लगाते हैं ना 9810 इसका नंबर, 9850 इसका नंबर, 9860 इसका नंबर, कृष्ण का एक ही नंबर है क्या, 0000000, और बजाते हैं उसमें जो भी फ्लूट आते हैं तुरंत गाय आ जाएंगी, अरे हमें बुलाया है, थन भरा हुआ है दूध से, चुपक चुपक उछल उछल के गाय आएंगी, अरे कृष्ण ने बुलाया हमको, कृष्ण ने बुलाया, सारी गाय एकत्रित हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी आकर।
ग्वालों को बुलाएंगे लंच टाइम में, ग्वाले आ जाएंगे, अरे चलो कृष्ण के साथ लंच टाइम हुआ, लंच टाइम, मधुमंगल सुमंगल सारे भागेंगे, भागो किंकड़ी, अरे लाओ लाओ कृष्ण प्रसाद, डेली शाम दोपहर के समय मध्यान्ह भोजन प्रभु जी चलाते हैं हमारे, मध्यान्ह भोजन कृष्ण कराते हैं, मध्यान्ह भोजन होता है। और ये कहाँ होता है? नंदगांव में, एक स्थान है विशेष, है ना, वहां पर नंदगांव में डेली कृष्ण आज भी आफ्टरनून प्रसाद लेते हैं। और एक बार तो कृष्ण को खाने के लिए कोई थाली नहीं मिली, तो क्या कर दिया कृष्ण, कृष्ण अपने हाथ से शिला के ऊपर प्लेट बना दिए, कटोरी शिला बोलते हैं उसको, कटोरियां बनी हुई, आज भी वहां डेली भोग लगता है, 5 प्लेट 6 प्लेट 7 प्लेट, ऐसे करो 1 कटोरी 2 कटोरी बीच में रोटी रखना, जो होती है ना प्लेट जिसमें 4 कटोरी 3 कटोरी बनी होती है, ऐसी प्लेटें बनी हुई हैं शिला के ऊपर, कृष्ण ने बनाई थी अपने भक्तों के लिए, चलो बैठ के पाओ इसमें दाल, ऐसे खा, क्योंकि मीठा तो ऐसे खा लेते थे हाथ में, लेकिन दाल खानी कैसे खाएं, तो कृष्ण ने शिला पर कटोरियां बनाई हैं, भोजन थाली स्थली नाम है उसका, भोजन थाली स्थली, कामावन में पड़ती है ये। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।